यूपी के कारोबारी योगेश अग्रवाल ने कायम की मिसाल। स्टील प्लांट से रोज 2500 ऑक्सीजन सिलेंडर की मुफ्त रिफिलिंग। कानपुर लखनऊ बुंदेलखंड को प्राथमिकता, ले रहे 1 रुपए का सांकेतिक बिल। लोगों को ऑक्सीजन बनाने के लिए टिफिन की सूद नहीं ले रहे कर्मचारी, बोले बाद में कर लूंगा लंच, अभी देश के लिए बनानी है ऑक्सीजन, वक्त क्यों बर्बाद करें। फ्रांस में 15 लोगों को बिना मोबाइल घड़ी 40 दिनों के लिए गुफा में किया गया था कैद। 40 दिनों बाद मुस्कुराते चेहरों के साथ निकले बाहर। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने किया एक्सपेरिमेंट। लोगों के रहने के हालात में बदलाव का अध्ययन करना और अनुकूल का रिसर्च करना था मकसद। बिना पैसे लिए प्रयोग में शामिल हुए थे वॉलंटियर। प्रोजेक्ट के लिए लगभग 8.5 करोड़ रुपए किए खर्च। बिहार में मनरेगा को लेकर ग्रामीण विकास विभाग का बड़ा फैसला। 60 की उम्र पार कर चुके लोगों को नहीं मिलेगा काम। बीमार लोगों को भी मनरेगा में काम करने से किया गया वंचित। रांची में कल दोपहर दिखा अद्भुत नजारा। सूर्य के चारों ओर 2 घंटे तक था सतरंगी घेरा। मौसम वैज्ञानिक ने इसे बताया बारिश का सूचक, तो कुछ लोग बता रहे हैं इसे शुभ संकेत। नक्सलियों के भारत बंद को लेकर पूरे झारखंड में अलर्ट। नक्सलियों ने चक्रधरपुर रेल मंडल में आने वाले रेलवे ट्रैक को उड़ाया। हवाड़ा और मुंबई रेल लाइन बाधित, ट्रैक मरम्मत का कार्य जारी। चाईबासा SP ने कहा कि नक्सलियों ने हताशा में दिया वारदात को अंजाम। धनबाद में तेज धमाके के साथ धसी जमीन, करीब 6 लोग घायल, कई के दबे होने की आशंका। बंद आउटसोर्सिंग खदान में जमीन धंसने से हादसा, ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप। धड़ल्ले से जारी है कोयले का अवैध उत्खनन। देश बिगड़े हालात के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने अकेले चुनाव आयोग को ठहराया जिम्मेदार, कहा सबसे गैर जिम्मेदार संस्था। पूछा, क्या आप दूसरे ग्रह पर रह रहे हैं? अधिकारियों पर चलाना चाहिए हत्या का मुकदमा। महाराष्ट्र में एम्बुलेंस में एक के ऊपर एक ठूस कर रखे गए थे मरीजों के शव। पुलिस ने वीडियो बना रहे रिश्तेदार के छीन लिए फोन। अस्पताल बोला, हमारा काम शवों को नगर निकाय को सौंपना, वह क्या कर रहा है, ये हमारे बस में नहीं।